गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, प्रणाम। टुडे आई टीच यू लेसन नंबर 3, प्लेइंग विद नंबर्स। उसमें हम आज एचसीएफ निकालना सीखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पेज नंबर है 24, वर्कबुक में से 20 नंबर का क्वेश्चन है। वन नंबर है 18, 24 एंड 42। ओके, इसका एचसीएफ निकालना है। अब 18 लिखेंगे, 24 लिखेंगे और 42 लिखेंगे। तीनों को डिवाइड करते जाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे। ओके, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और होगा 3 1 जा 3। 3 1 जा 3। ओके, इस तरह से निकलना है। अब 12 2 जा 24, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 जो है वो 3 के ही टेबल में आता है, तो हम लिखेंगे 3 1 जा 3। ओके, अब 42 है। 42 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके ही आंसर निकालना है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो क्या मिला हमें, 21। ओके, तो हम लिखेंगे 21 और डिवाइड मैंने किया था 2 से। ओके, अब 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ओके, अब देखो हम लिखेंगे 18 24 और 42 इक्वल्स। 18 24 और 42 को ऐसे स्ट्रेट लाइन में लिख लेना है। अब ये जो 2 3 और 3 मिला है उससे हम इस साइड लिखेंगे 2 2 2 एंड 3, 2 3 7। ओके, इस तरह से लिखना है। अब इसमें से हमें ढूंढना है कि सेम नंबर कौन से है। ये टू और ये सेम नंबर है। ओके, कितने टाइम सर्कल किया हमने, 3 टाइम किया, लेकिन लिखना हमें ओनली 1 टाइम है, 2। अब देखो 3 3 एंड 3, ये तीनों में है। 18 में भी 3 है, 24 में भी 3 है और 42 में भी 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। हमने सर्कल 3 टाइम किया है बट लिखा ओनली 1 टाइम है। ओके, अब ये 3 किसी और में नहीं है, ये 2 इन दोनों में है तो यहाँ पर नहीं है। 7 और किसी लाइन में नहीं है, जो नंबर किसी और लाइन में न हो उससे नहीं लिखना है। ओके, तो हमें ये तीनों लाइन में 2 और 3 मिला, तो हमें अब इन दोनों का टेबल बनना है। 2 3 जा हो गया 6। ओके, तो आंसर आपका आएगा 6। हम लिखेंगे यहां पर आंसर 6। ओके, इस तरह से आंसर 6 आएगा। ओके, इस तरह से आपको एचसीएफ निकालने हैं। ओके, एचसीएफ में आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट डिवाइड करना है और जो आंसर आए उसे नीचे लिखना है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको ऊपर लिखना है। फिर जो भी नंबर्स हैं उनको स्ट्रेट लाइन में लिख देना है, सेम नंबर में सर्कल करना है और लास्ट में टेबल बोल देना है। इस तरह से आपको एचसीएफ ढूंढना है। ओके, बाय चिल्ड्रन।